भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ द बुद्ध एंड इज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के पंचम कांड का पांचवा भाग है। और इस पांचवें भाग में बाबा साहेब ने जिस विषय को समाहित किए हैं, वो विषय है कि तथागत बुद्ध ने जो उपासकों को संदेश दिए हैं, उपासकों के लिए उपदेश दिए हैं, वो उपदेश ही बाबा साहेब ने इस अध्याय में संकलित करके लिखे हैं। तो इस अध्याय से जुड़ते हैं। पिछली कड़ी में हमने देखा कि सिगाल के साथ, कुछ लोग इसे श्रीगाल कहते हैं और सामान्य रूप से ये सिगाल नाम से आता है, तो सिगाल के साथ तथागत बुद्ध का एक वार्तालाप चल रहा है। इस वार्तालाप को अधूरा छोड़ दिए थे हमने पिछली कड़ी में, अब वहीं से इसे आगे बढ़ाते हैं। सिगाल के साथ ये जो तथागत बुद्ध का संवाद है, इसे बौद्ध साहित्य में सिगाल सूत्र के नाम से जानते हैं लोग। तो देखिए, यहां तथागत कहते हैं कि श्रीगाल, शराब की लत पड़ जाने की 6 हानियां है। जो नशाखोर होते हैं, शराबखोर होते हैं, शराबखोरी करते हैं, जिन्हें शराब की लत पड़ जाती है, ऐसे लोगों में 6 प्रकार की हानियों को देखा जा सकता है। तो अब 6 प्रकार की हानियां कौन सी है? तो तथागत पहली हानि बताते हैं, धन की हानि। इनका धन बेमतलब नष्ट हो जाता है। शराब से फायदा तो कुछ होता नहीं, लेकिन शराब पर ये खर्च जो होता है, तो धन की हानि, ये पहली हानि तथागत बताते हैं। दूसरी हानि वे बताते हैं, कलह हो जाना। इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इनके साथ झगड़े बड़े ज्यादा होते हैं, ये कहीं भी कलह मचा देते हैं बिना मतलब की बात पर। आप देख सकते हैं नशाखोरों को, शराबखोरों को। तीसरी बात बताते हैं, रोग की संभावना बढ़ जाती है। शराबी नशाखोर जो होते हैं, उनमें अस्वस्थ होने की, बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथी बात, इनमें दुश्चरित्रता आ जाती है, चरित्रहीन हो जाते हैं, इन्हें कोई अच्छा नहीं कहता। और फिर एक पांचवी बात तथागत बताते हैं, भद्दी नग्नता। इनके भाषा में, इनकी बोलचाल में भद्दापन होता है, नग्नता होती है, शालीनता नहीं होती। तो ये 5 दोष और 6 दोष तथागत बताते हैं कि इनके बुद्धि की हानि हो जाती है, इनकी तर्कशीलता खत्म हो जाती है। तो जो इस तरह के लत में पड़ जाते हैं, शराब के, नशे के, तो उनमें ये 6 प्रकार की हानियां दिखाई देती हैं। ये बात तथागत बता रहे हैं श्रीगाल को। अब आगे की बात देखिएगा। आगे तथागत कहते हैं कि अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने की 6 हानियां हैं। 6 हानियां उन्होंने बताई, नशाखोरों की, शराबियों की, शराब की लत पड़ जाने वाले लोगों की जो 6 हानियां होती है वो। अब 6 हानियां उनके लिए जो रात में बाजारों में घूमते रहते हैं अनुचित समय पर, इनकी 6 हानियां होती है। कौन सी? देखिएगा, वे स्वयं अरक्षित होते हैं, वे स्वयं अरक्षित होते हैं, मतलब सुरक्षित नहीं होते, हमेशा अरक्षा में होते हैं, परेशानी में होते हैं। आप देखिएगा, रात में सुनसान जगह पर
लोगों के साथ कुछ अनुचित प्रकार घटित हो जाने की घटनाएं हमें हमेशा सुनाई देती हैं। तो ये अरक्षित होते हैं और इनके स्त्री बच्चे भी अरक्षित होते हैं। अब ये स्वयं अरक्षित तो इनके स्त्री बच्चे भी अरक्षित। ये रात में बाजारों में घूम रहे हैं, बच्चे पत्नी घर में इंतजार कर रहे हैं, वे भी अरक्षित हैं, इंतजार ही कर रहे हैं कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो इस तरह से फिर आगे वे कहते हैं कि स्त्री बच्चे अरक्षित, ये स्वयं अरक्षित, तो इनकी संपत्ति भी सुरक्षित नहीं होती है, इनकी संपत्ति भी आरक्षित होती है। और जिन अपराधों के करने वालों का पता नहीं लगता उस पर उनका संदेह किया जाता है। जो असमय अनुचित समय पर बाजारों में घूमते रहते हैं आवारा, तो वो जो अपराध घटित होते हैं और जिन अपराधियों का पता नहीं चलता उनके संदेह में इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। देखिए तथागत इतनी व्यावहारिक बात को अब से 2500 साल पहले सिगाल को समझा रहे हैं कि सिगाल होता ऐसा है कि अनुचित समय पर जो देर रात तक बाजारों में घूमते रहते हैं बिना मतलब, कोई काम नहीं कुछ नहीं, तो ऐसे आवारा लोगों के लिए ये भी एक बड़ी हानि होती है कि जो लोग अपराधियों के संदेह में पकड़े जाते हैं वे यही होते हैं। एक पांचवी बात, उनके बारे में झूठी अफवाह फैल जाती है। ये जो असमय बाजारों में घूमते फिरते रहते हैं इनके संबंध में झूठी अफवाहें फैल जाती है और ऐसे कई दुख है जो इन्हें भुगतने पड़ते हैं। तो इस तरह की 6 हानियां इन लोगों के लिए होती है जो असमय बाजारों में घूमते रहते हैं। इसके आगे देखिएगा, अब तथागत उन लोगों की बात कर रहे हैं, ये शिगाल सुत्त है। मेले तमाशे देखते फिरने की आदत में 6 दोष है। ये भी लोगों को बड़ी आदत होती है मेले तमाशे देखते हुए घूमते फिरते रहने की। मेला कहीं मेला लग रहा है तो मेले में जाएंगे, कहीं तमाशा है तो तमाशा देखने जाएंगे, तो इस तरह का भी होता है। ये चलन आज भी गांव की ओर तो दिखाई देता ही है, शहरों में इसका प्रकार जो है वो थोड़ा बदल गया है, लेकिन मेले तमाशे में आज थिएटर्स आ गए हैं और यहाँ भी लोग घूमते फिरते नजर आते हैं। देखिए, वे हमेशा यही सोचते रहते हैं कि नाच कहाँ है। जो मेले तमाशे में जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आज नाच कहाँ है, आज डांस कहाँ है, गाना कहाँ है, बजाना कहाँ है, काव्य गान कहाँ है, घंटियों का बजाना कहाँ है, टैम टैम बाजा कहाँ है। उनके दिमाग में एकमात्र चीज होती है, और ऐसे लोगों को आप अपने आसपास में देख सकते हैं कि इनके घर के लोग इनसे इतने परेशान होते हैं कि ये रात भर गायब रहते हैं और इनके घर के लोग इनका इंतजार ही करते रहते हैं। तो ये उनमें 6 दोष होते हैं ये तथागत कहते हैं। अब देखिएगा आगे, तथागत कहते हैं कि जुआ खेलने की लत पड़ जाने से 6 हानियां होती है। जुआ खेलने वालों की भी एक बड़ी जमात है, तो इनमें 6 हानियां होती है। तो 6 हानियों में पहली हानि तथागत बताते हैं, जीतने पर घृणा का पात्र बनता है। जो भी कोई जुए में जीत जाता है वो जीतने वाला हमेशा घृणा का पात्र बनता है, क्योंकि जो हारते हैं उनके लिए उनके मन में इसके लिए चीड़ उत्पन्न होती है। दूसरी बात, हारने पर अपनी हार से आदमी दुखी होता है, और जो हारने वाला होता है, जुए की लत में तो दोनों होते हैं, जीतने वाला भी और हारने वाला भी, तो जो हार जाता है वो अपनी हार से दुखी हो जाता है और जुए वालों का गुजारा नष्ट हो जाता है, रोज के खाने के लाले पड़ जाते हैं। अब जिनके पास बहुत अकूत धन होता है वे रोज रोज जुआ खेल खेलकर अपने धन को
खत्म कर देते हैं। वैसे जुए की एक बड़ी प्रचलित कथा है कि उसने क्या किया था, उसे तो धर्म रक्षित कहा गया था, लेकिन जब उसके पास की सारी कुछ चीजें खत्म हो गई तो उसने क्या किया सब जानते हैं। तो तथागत कहते हैं कि उसका गुजारा ही नष्ट हो जाता है और अदालत में उसके वचन का कोई मूल्य नहीं होता। अगर वो कहीं गवाही देना चाहे तो जुआरी की गवाही को गवाही नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी जुबान में सच नहीं होता। पांचवी बात, वो मित्रों तथा राज कर्मचारियों की घृणा का पात्र बन जाता है। वे मित्र जो जुआ नहीं खेलते, लेकिन उनमें कोई एक ऐसा हो जाता है कि जो जुआरी होता है, तो वो उन मित्रों की घृणा का पात्र बन जाता है और राज के कर्मचारी जो होते हैं उनकी भी घृणा का वो पात्र बन जाता है। कोई शादी करने वाला उससे संबंध स्थापित नहीं करना चाहता, जुआरियों के घर कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता, तो उसके विवाह में भी बाधाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि उसका कहना होता है कि जुआरी कभी अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर सकता, क्योंकि जुआरी तो जुए की लत में होता है, तो वो पत्नी बच्चों का क्या पालन पोषण करेगा। और इसलिए इस तरह से छह दोष, छह हानियां जुआ खेलने वालों के संबंध में, जुआरियों के संबंध में तथागत बताते हैं। सिगाल सुत इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के सहारे। यहां हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त अभी पूरा होता है। तो रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, तब हम सिगाल सुत में यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।